बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदल्ला लह वमन युदलिल फला हादिया लह। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला की रहमत बरकत हमारे ऊपर साया फगन है और ये रहमतें बरकतें रमज़ानुल मुबारक के महीने में इस तरह से बढ़ लेती हैं कि एक बंदा मोमिन को, एक बंदा मुसलमान को हर जहत से घेर लेती हैं। अल्लाह ताला की रहमतें, नियमतें, बरकतें, इनका सिलसिला इंसान के ऊपर जब से इंसान पैदा हुआ है उस वक़्त से चलता आ रहा है। क्या हम उस रहमत, उस नियामत, उस बरकत के बदले में जो तकाज़ा अल्लाह ताला का हमारी ज़ात से है, क्या हम उस तकाज़े को भी पूरा कर रहे हैं? और ये रमज़ान मुबारक का महीना, ये रहमतों बरकतों वाला महीना, ये हमारी ट्रेनिंग का महीना जिसमें अल्लाह ताला हमें अपने से करीब करना चाहते हैं, हमारे साथ अपने ताल्लुक को मज़बूत करना चाहते हैं और ऐसा मज़बूत ताल्लुक कायम करना चाहते हैं अल्लाह ताला कि उस ताल्लुक की बुनियाद के ऊपर इंसान की ज़िंदगी में अगर एक ही मकसद हो, एक ही गर्ज हो, एक ही गायत हो, एक ऐसी ज़ात हो जिसको वो सामने रखते हुए, जिसकी खातिर वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है, पूरी दुनिया को छोड़ सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। ये वो असल बुनियाद है हमारी बंदगी की, हमारे वजीफ़ा या अबूदियत है जो अल्लाह ताला एक मुसलमान के अंदर पैदा करना चाहते हैं। और जिस तरह का एक आला मुसलमान अल्लाह ताला के सामने झुकने वाला, अल्लाह ताला के लिए अपने तमाम आमाल को, अपनी तमाम नियतों को खालिस करने वाला हो, जब तक हमारे नियत के अंदर इखलास नहीं आएगा, जब तक हमारे मुआमलात के अंदर, हमारे इबादात के अंदर इखलास नहीं आएगा, उस वक़्त तक हम दीन की असल रूह को पहुंच नहीं सकते, हम दीन की हकीकत को हासिल नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला जो ताल्लुक अपनी ज़ात के साथ कायम करना चाहते हैं वो ताल्लुक एक इखलास का ताल्लुक है, एक मुखलिसाना ताल्लुक है जो एक बंदे का अपने रब के साथ है। और वो मुखलिसाना ताल्लुक ही इस दीन की असल बुनियाद है, इस दीन के तमाम मामलात की असल बुनियाद है। हत्ता कि इबादात भी अल्लाह ताला के यहाँ उस वक्त काबिल कबूल नहीं, आपके मामलात भी उस वक्त तक अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं जब तक आपके ताल्लुक में अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इखलास नहीं आ जाता। इखलास, वमा उमिरु इल्ला लियबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, किसी भी इबादत की कबूलियत की सबसे पहली जो शर्त है वो इखलास है। قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ऐ नबी, आप अपनी उम्मत को बता दीजिए, कुल इन सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम चीज़ें इबादात के अंदर आ जाती हैं। तो पहले इबादात का तज़किरा किया, व महया व ममाती, फिर फरमाया कि इबादात तो अपनी जगह, जब तक आपका जीना मरना, आपका सांस लेना, आपकी ज़िंदगी की तमाम गर्ज़ो गायत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नहीं होगी, उस वक्त तक आप इस्लाम की असल हकीकत के दर्जे पे फायज हो ही नहीं सकते। आज क्या वजह है कि हमारे मामलात के अंदर वो इस्लाम हमें नज़र नहीं आता, हमें अपने इबादात के अंदर वो मकसद हासिल होता हुआ नज़र नहीं आता जो मकसद अल्लाह ताला ने इबादात के पीछे पिन्हा रखा हुआ है? वजह है इखलास की कमी। हमने कभी उस अमल की हकीकत को समझने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा ताल्लुक कितना मजबूत है अल्लाह ताला के साथ और उस ताल्लुक के पीछे मेरी गर्ज, मेरी गायत, मेरा मुंतहा, मेरा मकसूद अल्लाह ताला की ज़ात है और वो किस कदर खालिस है मेरी नीयत। इखलास अखलासा युखलिसु से मस्तर का सीगा है जिसका माना होता है अच्छी तरह पाक साफ होना। वो चीज़ जब तक उसके साथ
कोई एक्सटर्नल चीज़ जुड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है जिसका ताल्लुक उसकी ज़ात के साथ नहीं है, किसी दूसरी ज़ात के साथ है और वो उसके साथ जुड़ी हुई है, तो उस चीज़ को हम खालिस नहीं कह सकते। खालिस वो चीज़ होती है जो वहीद होती है, जो बिल्कुल असल असलील होती है, जिसकी तहजीब हो जाती है, जो एक ख़ास किस्म की लाहे अमल और एक ख़ास किस्म के पैटर्न से गुजरने के बाद इस कदर खालिस और साफ और शफाफ हो जाती है, फिर उसमें किसी और चीज़ की मिलावट नहीं रहती। अगर आप इखलास को समझना चाहते हैं तो आपको मिलावट को समझना होगा। कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसी चीज़, उसके अंदर उसकी ज़ात से बाहर कोई दूसरी चीज़ अगर उसके साथ शामिल हो गई है, मामूली सी भी शामिल हो गई है, तो वो चीज़ खालिस नहीं रही, उसके अंदर मिलावट हो गई है। दीनी मामलात के अंदर, शरी मामलात के अंदर इखलास किसे कहते हैं? उलमा ने, मुख्तलिफ उलमा ने इखलास की तारीफ मुख्तलिफ लिहाज से की है, लेकिन जो सबसे जामे तारीफ है इखलास की, या अगर आप इखलास के माना को हकीकत से समझना चाहते हैं, वो काजी फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह ने की है। फरमाते हैं, अल इखलास हुआ तर्क रिया वल अमल यकून खालिसतन लिल्लाह ताला। इखलास रिया को तर्क करना है और अपने तमाम आमाल को सिर्फ़ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए खालिस कर देना है। इंसान का और कोई मकसद ना हो उस अमल के पीछे, कोई और गर्ज़ो गायत ना हो, सिर्फ़ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात हो, दुनियावी कोई ख्वाहिश, कोई लालच, कोई लज्जत, कोई मतलब, कोई बदला, कोई किसी दूसरे से कोई फेवर उसकी गर्ज ना हो, सिर्फ सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करना उसका मकसद हो, ये इखलास है। इखलास की एक और तारीफ उलमा ने कुछ इस तरह से की है, फरमाते हैं कि इखलास में दो चीज़ें शामिल हो जाती हैं, एक है रिया से बचना और दूसरा अपने अमल को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर देना। अब रिया क्या है, क्योंकि इखलास के मद्दे मुकाबिल अगर हम मुतजाद देखते हैं तो उसकी दूसरी जानिब रिया खड़ी हुई है, तो रिया क्या है और इखलास क्या है? यहाँ पर थोड़ी सी हमारे सोसाइटी और माशरे के अंदर आपको मिसकंसेप्शन नज़र आएगी। बहुत से लोग ये समझते हैं रियाकारी का मतलब कुछ और समझते हैं, कि रियाकारी से मुराद ये है कि आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं कि आप उससे दूसरे लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, दूसरे लोगों की वाह वाही, दूसरे लोगों से तारीफ बटोरना आपका मकसद है, शायद ये रिया है। जबकि उलमा ने रिया की तारीफ कुछ इस तरह से की है, फरमाते हैं कि रियाकारी यह है कि तर्कुल अमल लिन्नास, किसी काम को लोगों की वजह से छोड़ देना, यह रियाकारी है। मिसाल के तौर पे आप एक काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर या दूसरे किसी माह के अंदर अल्लाह ताला की राह के अंदर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अब आपके दिल में यह आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के देखने की वजह से ये काम इखलास से हट ना जाए, इखलास के मुनाफी ना हो जाए, तो आप लोगों की वजह से, लोगों को सामने रखते हुए उस अमल को करना छोड़ देते हैं, तो ये आपकी रियाकारी है, क्योंकि आपका मतमा नज़र यह है कि लोग इसके बारे में कुछ, आपके बारे में कोई बुरी बात, कोई गलत बात ना कह रहे हों। तर्कुल अमल लिन्नास लिअजलिन्नास, ये रियाकारी है। और वो अमल जब वो काम, नेक काम जो आप इस गरज से कर रहे हैं कि लोग उसके ऊपर आपकी वाह वाह करें, आपके सामने लोग हैं, आपका मतमा नजर और मकसद लोग हैं, तो वो तो शिरक बन जाता है। और ये वही शिरक है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी अखाफु मा अखवफ अलैकुम, कि मुझे तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा जिस बात का डर है वो शिरक असगर का है। शिरक असगर के बारे में फरमाया कि रिया है। और इखलास क्या है, कि इन दोनों से पाक हो जाना।
ना तो कोई आप काम लोगों की वजह से छोड़ रहे हो और ना ही आप कोई काम लोगों की वजह से कर रहे हो, ना ही कोई आप काम अपने किसी दुनियावी मकसद, दुनियावी मनफात, दुनियावी मफाद की वजह से छोड़ रहे हो, और ना ही वो काम आप दुनियावी मनफात और मकसद की वजह से कर रहे हो। जब ये दोनों चीज़ें आपके अमल के अंदर से ख़त्म हो जाएंगी, आपकी नीयत के अंदर से ख़त्म हो जाएंगी, फिर आप इखलास के दर्जे को पहुँच जाएंगे और इखलास आपके अमल के अंदर शामिल हो जाएगा। इखलास, अगर मैं ये कहूँ कि इस हमारे दीन की असल बुनियाद है, तमाम आमाल की बुनियाद है, तमाम आमाल की कबूलियत की सबसे पहली शर्त है, तो ये मेरी बात मुबालगा राय में नहीं शामिल होगी। इखलास ही तो असल दीन है। जब तक इखलास हमारे मुआमलात के अंदर, हमारे इबादात के अंदर नहीं आएगा, उस वक़्त तक हम दीन की असल हकीकत को नहीं पहचान सकते। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन वो तीन लोग जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला जहन्नम की आग को भड़काएंगे, जहन्नम की आग का शोला जलेगा, और वो सबसे पहले वो तीन लोग होंगे जो जहन्नम की आग के अंदर दाखिल होंगे। फरमाया कि वो तीन तरह के लोग होंगे, उनमें से एक वो होगा जो अल्लाह ताला की राह में इतना ज़्यादा खर्च करने वाला होगा कि उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल होगी। दूसरा मुजाहिद होगा जो अल्लाह ताला के रस्ते के अंदर अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपनी जान को निसार कर देगा। और फरमाया तीसरा वह शख्स होगा जिसके दिन रात अल्लाह ताला की किताब के लिए, अल्लाह ताला के कुरान के लिए, अल्लाह ताला के इल्म के लिए, दीनी इल्म के लिए वक्फ होगा। ये तीन वो लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला जहन्नम की आग में फेंकेंगे और फिर उसके पास जहन्नम की आग शोला पकड़ेगी। अब जहन्नम के अंदर सबसे पहला दाखला कुफार का नहीं है, जहन्नम के अंदर सबसे पहला दाखला मुशरिकों का नहीं है, जहन्नम के अंदर सबसे पहला दाखला उस इंसान का जो है तो मुसलमान, जो अल्लाह ताला को मानने वाला है, लेकिन उसका अमल अल्लाह ताला की ज़ात के लिए खालिस नहीं था। जब अल्लाह ताला उनको अपनी बारगाह में पेश करेंगे और पूछेंगे, हाँ जी फरमाएं आप क्या करते रहे दुनिया के अंदर, तो उनमें से एक कहेगा कि मैंने दिन रात अल्लाह तेरे रस्ते में खर्च किया, एक कहेगा कि मैंने अल्लाह आपके रस्ते में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, एक कहेगा कि अल्लाह मैं दिन रात आपके दीन के इल्म की तबलीग किया करता था, तो अल्लाह ताला जवाबन कहेंगे हाँ तुमने ये तमाम मामलात, ये तमाम काम किए तो ज़रूर, लेकिन तुम्हारा असल मकसद अल्लाह ताला की रिज़ा नहीं था, तुम्हारा असल मकसद ये सुनना था कि लोग कहें वाह क्या बात है, कैसा खर्च करने वाला है अल्लाह ताला की राह में, वाह कितना बड़ा मुजाहिद, कितना बहादुर जर्नैल है, लोग कहेंगे वाह क्या बात है, कितना बड़ा आलिम है यार, इसके पास तो इलम के अंबार हैं। जो नुक्ता ये आलिम बयान करता है वह नुक्ता कोई दूसरा आलिम बयान ही नहीं कर सकता। असल मकसद तुम्हारा लोगों की वाह वाही बटोरना था, लोगों की तारीफ सुनना था, तो दुनिया में वो चीज़ें तुम्हें हासिल हो गई, लोगों ने तुम्हारी वाह वाही भी कर दी, लोगों ने तुम्हारे लिए तारीफी कलिमात के अंबार भी लगा दिए, तुम्हारी प्रमोशंस भी हो गई सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के यहाँ तुम्हारी एक एक चीज़ की रिपोर्ट भी पहुँचती रही, तो वो सब कुछ तुम्हें दुनिया में मिल गया। आज मेरी बारगाह में तुम्हारे लिए इस अमल का अजर कुछ नहीं है, जो तुम्हारी गर्ज थी वो तो तुम्हें हासिल हो गई। आप तसव्वुर कीजिए कि अमल के अंदर इखलास का ना होना अल्लाह ताला को किस कदर नापसंदीदा अमल है कि अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोगों का शुमार काफिर और मुशरिक से बढ़कर हो रहा है। काफिर तो वो है जिसने इनकार कर दिया, जो बरमला इस बात का इनकार करता है। मुशरिक भी अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है, वह भी इनकार कर रहा होता है, लेकिन एक मुसलमान जो अपने आप को अल्लाह ताला के ताबे करने वाला है, एक मुसलमान जो अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा कहलाने वाला है, और वो ज़ाहरी तौर पर तो कुछ और मामलात लोगों के सामने शो कर रहा हो, लेकिन अंदर से नीयत उसका अपना ज़ाती मफाद और ज़ाती मकसद हो, ये वो इंसान है जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे नापसंदीदा है। सूरह गाशिया के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ ऐसे लोग पेश होंगे,
अगर उनके नामे आमाल की तरफ देखा जाएगा तो नामे आमाल में नेक आमाल के, नेकियों के अंबार लगे होंगे, बड़े बड़े पहाड़ होंगे। आमिलतुन नासिबा, फरमाया अमल कर करके थक चुके होंगे, अपनी सारी की सारी जिंदगी नेक आमाल के अंदर सर्फ कर दी होगी। तस्ला नार हामिया, माल के कायनात की बारगाह में पेश होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे इनको पकड़ो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम की आग में फेंक दो। क्यों? फरमाया ये वो लोग होंगे जिनके अमल के अंदर इखलास नहीं होगा, ये वो लोग होंगे जिनका अमल सुन्नत तरीके के मुताबिक नहीं होगा। तो सिर्फ अमल कर लेना काफी नहीं है, जब तक अमल के अंदर इखलास और वो तमाम शरायत शामिल नहीं होगी जिसका पता हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से और कुरान मजीद से पता चलता है, उस वक्त तक अमल की कोई अहमियत नहीं है। एक हदीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रियाकारी लोगों की ख्वाहिश के लिए, लोगों की खुशी के लिए, लोगों को राजी करने के लिए अमल करना, रियाकारी करना, नेक आमाल को इस तरह से खा जाता है जिस तरह से एक खुश्क लकड़ी को आग खा जाती है। जितनी जल्दी एक खुश्क लकड़ी को आग पकड़ती है और फिर उस पूरी की पूरी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह रियाकारी जैसे ही अमल में आती है तो वो तमाम के तमाम नेकी को जलाकर राख कर देती है, उसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब तसव्वुर कीजिए उस इंसान के बारे में कि जो मेहनत भी कर रहा हो, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मुकम्मल मेहनत करे, काम भी मुकम्मल करे, और मुकम्मल करने के बाद जब मजदूरी का वक्त आए तो उसको मजदूरी ना मिले तो उस इंसान की फीलिंग क्या होगी। ये मिसाल उसी इंसान की है जो काम तो पूरा कर रहा है, जो मेहनत तो पूरी कर रहा है, लेकिन उस मेहनत के ज़रिए से जो असल मकसद हासिल करना था वो मकसद उसको अचीव नहीं कर रहा, और जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो और अपने नेक आमाल के अजर लेने का वक्त आए और उस वक़्त अल्लाह ताला की बारगाह से उसको रानदा दरगाह कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, वो दिन होगा जिस दिन हर इंसान की ख्वाहिश ये होगी कि मेरे नामा अमाल के अंदर किसी जगह से कोई ढूंढ के कोई एक नेकी मुझे मिल जाए। यौम यफ़िरुल मरु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शानुन युग्नी। उस दिन माँ बेटे से भाग रही होगी, बेटा बाप से, बाप बेटे से भाग रहा होगा। हर इंसान की ये ख्वाहिश होगी कि बस किसी तरह से मेरे नामे आमाल के अंदर एक नेकी का, एक मामूली सी नेकी का इजाफा हो जाए और उस नेकी की वजह से मैं जहन्नम की आग से बच जाऊँ और जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो आज दुनिया में हमारे पास वक्त है, हम नेक आमाल भी कर रहे होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आमाल के अंदर इखलास की कमी हो और उस इखलास की कमी की वजह से हमारे अमल का वजन ही ना हो। फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आमाल इस तरह से अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको हबाअम मंसूरा, इस तरह राख की तरह उड़ा दिया जाएगा, उनकी कोई कदर व कीमत ही अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर नहीं है। एक नेकी उस वक़्त वज़नदार होती है जब उसके अंदर इखलास जैसी अजीम नियमत उसके अंदर होती है। जब इखलास उस नेकी के अंदर से निकल गया तो वो नेकी की मिसाल एक राख की तरह है जिसको हवा के अंदर राख की तरह उड़ा दिया जाएगा, अल्लाह ताला के यहाँ उस नेकी का कोई शुमार नहीं होगा। तो वो सबसे पहला हुक्म, वो सबसे पहला मकसद, वो सबसे पहली गर्ज जो एक मुसलमान से अल्लाह ताला की है वो इबादत, और इबादत के अंदर इखलास को शामिल करना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने जहाँ पर इंसानियत की पैदाइश का मकसद बताया है वहाँ पर इबादत को अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि इबादत ही हर एक इंसान की पैदाइश का मकसद है, और इबादत किस तरह की इबादत अल्लाह ताला को चाहिए, वो इबादत जो खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो। जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होगी
जब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखते हुए इंसान इबादत को परफॉर्म कर रहा होगा, फिर उसको इबादत के अंदर मज़ा भी आएगा, इबादत के अंदर लुत्फ़ भी आएगा, उस इबादत के असर को वो अपनी ज़ात के अंदर देखेगा। आज जो हम इबादत के असर को महसूस नहीं कर पाते, नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज का असर हमारी शख्सियत से झलक नहीं रहा होता, और रोज़ा रखते हैं लेकिन रोज़े के मकसद से बिल्कुल बेबहरा है। लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, कुरान मजीद के अंदर अहादीस मुबारका के अंदर हमने रोज़े के मकसद को जाना, बारहा हमने उलमा से सुना रोज़े का मकसद तकवा है, तकवा है, बचपन से सुनते आ रहे हैं तकवा है, लेकिन वो तकवा रोज़ा रखने के बावजूद हमारे अंदर पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे रोज़े के अंदर इखलास नहीं है, हमारे अमल के अंदर इखलास नहीं है, हमारी नीयत के अंदर इखलास नहीं है। जब इखलास आपकी नीयत से निकल जाता है फिर इबादत इबादत नहीं रहती, फिर इबादत आदत बन जाती है, फिर एक मामूल बन जाता है। आप उठा के देख लीजिए, नज़र दौड़ा के देख लीजिए आप माशरे के अंदर, हमारे यहाँ दीन अब एक आदत से बढ़ के और कुछ नहीं रहा। नमाज में पढ़ने क्यों जाता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे वालदे ग्रामी मुझे उंगली से पकड़ के मस्जिद में लाया करते थे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, ये ड्यूटी मेरी लग गई है, मैं अपने बच्चे को पकड़ के मस्जिद में ले आता हूँ। एक आदत बना ली है नमाज को, रोज़े को एक आदत बना लिया है, क्योंकि वो इखलास वाला जो उसके अंदर इखलास वाली जहत थी, जो इखलास वाला पहलू था, वो उसके अंदर से मफकूद हो गया। अपना हमें हमारे इबादत में हमें मज़ा आता है ना, इबादत के अंदर हमारा दिल लगता है ना, नमाज में दिल लगता है ना, रोज़े में दिल लगता है ना, कुरान की तिलावत में दिल लगता है। आप तसव्वुर कीजिए कि एक इंसान इस नीयत के साथ, उस नीयत को जानते हुए, उस नीयत को समझते हुए, उस नीयत को फील करते हुए रोज़ा रख रहा है कि ये मेरा रोज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को राज़ी करने के लिए है। कौन सी ज़ात? अल्लाह ताला की, जो अला कुल्ली शैइन क़दीर है, जो मेरी तमाम मुश्किलात को हल करने वाला है, जो मेरे साथ बे इंतहा मोहब्बत करने वाला है, जो मेरे ऊपर बे इंतहा रहम करने वाला है, जो मेरे साथ 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है, उस मालिक की रजामंदगी के लिए, उस खालिक की रजामंदगी के लिए कि मैं इबादत को परफॉर्म करूंगा, मैं रोज़ा रखूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे खुश हो जाएंगे, मुझसे राज़ी हो जाएंगे, इस नीयत को फील करते हुए, इस इखलास के साथ आप रोज़ा रखें, रब्बे काबा की कसम, आपको रोज़ा रखने में, आपको नमाज पढ़ने में, आपको कुरान की तिलावत करने में वो लज़त महसूस होगी कि फिर आपके सामने दुनिया के तमाम रंग बेरंग हो जाएंगे, तमाम जायके बेजायके हो जाएंगे। जो मज़ा आपको इबादत के अंदर आएगा वो फिर आपको दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं आएगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, सलफ़ सालेहीन के वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि वह इबादत इस तरह से किया करते थे, इबादत में इस तरह से मगन हुआ करते थे कि दुनिया व माफ़ीहा से बेखबर हो जाते थे, और वह इबादत का वो वाला लेवल फरमाया जिसमें एहसान है, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। क्या आप अल्लाह ताला की इबादत इस तरह से कर रहे हैं, नमाज इस तरह से पढ़ रहे हैं कि गोया आप अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं? उस लेवल को अचीव करने के लिए असल बुनियाद हमें इखलास, अपने ताल्लुक को अल्लाह ताला के साथ जोड़ना होगा। इखलास, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत ताल्लुक है अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान। ये अल्लाह ताला और बंदे का आपस में राज है। हर इंसान के कुछ राज होते हैं, और राज किनको पता होते हैं? जो इंसान के सबसे करीबी लोग होते हैं, जिनको पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, आप उसी को अपना राज बताते हैं। तो ये इखलास का ताल्लुक, ये आपका और आपके अल्लाह ताला के दरमियान एक एतमाद का ताल्लुक है, एक ट्रस्ट का ताल्लुक है, ये एक राज है। मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ जो बात कर रहे हैं, क्या उस बात करने के पीछे आपका मकसद मुझसे कोई मफाद हासिल करना है या अल्लाह ताला को राज़ी करना है। मुझे नहीं पता कि आप कोई चीज़ मुझे पेश कर रहे हैं, कोई मामला मेरे साथ कर रहे हैं, कि आप उस मामले के बदले में, आज तो दुनिया कहती है कि मामलात तो बिजनेस इज़ अ कप ऑफ टी, टू कप ऑफ टी, मुझे आप कुछ देंगे, गिव एंड टेक, मुझे कुछ देंगे तो मैं आपको दूंगा। इवन कि अगर आपको मेरा टाइम चाहिए, आपको मेरी इंटेंशन चाहिए, तो उसके बदले में आप क्या वैल्यू मेरे लिए ऐड कर रहे हैं? अगर कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो मैं आपको टाइम भी दूंगा, मैं आपको सब कुछ दूंगा, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो आपका मुकाम मेरी नज़र में बिल्कुल सिफर है।
वरजुलान तहाबा फिल्लाही वतवाखर अलैह। इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर कोई एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखते हुए किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत कर लेता है तो इतना अजीम अमल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस इंसान को कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के साया नसीब फरमाएंगे। तो वो राज का ताल्लुक, वो तन्हाइयों का ताल्लुक आपका जो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ है। एक अरबी नशीद, बहुत मारूफ नशीद है, जिसके अल्फाज कुछ इस तरह से, हल लकसर इंद अल्लाह बैनका अंत व बैन अल्लाह। क्या आपका आपके रब के साथ, अपने अल्लाह ताला के साथ कोई राज है? बैनका अंत व बैन अल्लाह, ये वो राज है, ये वो आपकी खलवत है जो सिर्फ आपके और आपके अल्लाह ताला के दरमियान है। हल लका सदका तुख्फीहा ला यअलमुहा इल्लल्लाह। क्या कभी जिंदगी में आपने कोई ऐसा सदका, सदका वो पैसे की शक्ल में भी हो सकता है, वो किसी नेकी के काम की सूरत में भी हो सकता है, इवन अपने दूसरे मुसलमान भाई को देख के मुस्कुरा देना भी सदका है। कोई आपका ऐसा सदका, कोई गुड डीड, कोई नेक अमल ऐसा है तो खफिया, वो इतना छुपा हुआ हो, ला यअलमुहा इल्लल्लाह, कि उस आपके नेक काम को अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई और जानता ही ना हो। अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा, मैं कहता हूँ सिर्फ एक दफ़ा, ये तजर्बा करके देखिए कि कोई एक नेक काम, कोई एक छोटी सी नेकी, छोटी सी नेकी इस तरह से करें कि आपकी फीलिंग ये हो कि ये मेरी नेकी अल्लाह ताला तक पहुँचे, ये मेरा और मेरे अल्लाह ताला का राज है, ये मेरा और मेरे अल्लाह ताला के दरमियान ये हमारा एक बहुत सीक्रेट है, और इस तरह से करें और उससे किसी दूसरे इंसान को फ़ायदा हो और उस खुशी को महसूस करें। जब आप उस खुशी को दूसरे इंसान के चेहरे पर देखेंगे और उस इंसान को भी नहीं पता कि ये मेरा मामला किस तरह से हल हो गया, और वो खुशी जब आप देखेंगे, वो उस खुशी को देखने की फीलिंग किसी दूसरे इंसान के ऊपर आपकी ज़ात के अंदर वो प्राउड फीलिंग लेके आएगी, आपकी ज़ात को इस कदर खुशी होगी, उसका उस खुशी का तजर्बा, उस लज्जत का तजर्बा आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। तो अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, और वो ताल्लुक जब मजबूत होगा, जब वो ट्रस्ट का रिश्ता अल्लाह ताला की ज़ात के साथ आपका जुड़ेगा, तो उस वक्त आपके अमल के अंदर इखलास आएगा, और जब आपके अमल के अंदर इखलास आएगा फिर आपकी इबादत के अंदर लज्जत आएगी, फिर इबादत के अंदर आपका दिल लगेगा। वराजुल कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, जो वो सात लोग जिनको अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे, उसमें से एक इंसान वो भी है ना जिसका ताल्लुक और दिल मस्जिद के साथ ही लटका रहता है, उसको मस्जिद के अंदर ही मज़ा आता है। एक इंसान है जिसको मज़ा आता है ज़्यादा डॉलर्स गिनने के अंदर, एक इंसान है जिसको अपने कारोबारी ज़िंदगी में ज़्यादा मज़ा आता है, एक इंसान हुआ जिसको मज़ा आता है मस्जिद के अंदर कि कैसे ही अजान हो और मैं फ़ौरन मस्जिद की तरफ लपकता चला जाऊँ, ये वो इंसान होगा जिसके दिल के अंदर इखलास की नेमत होगी। आज हम इखलास की नेमत से इस कदर महरूम हैं कि हमें इस नेमत की अज़मत का अंदाज़ा ही नहीं है, इसकी लज़्ज़त का अंदाज़ा ही नहीं है। अगर एक इंसान को इखलास का एक इतना मामूली सा ज़र्रा भी नसीब हो जाए, उसकी लज़्ज़त महसूस हो जाए, फिर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से वो इंसान दुनिया से मुस्तगनी हो जाता है, वो दुनियावी मामलात से, दुनियावी जाह हशमत से, दुनियावी पावर से, लोगों की वाहवाही से, लोगों के एप्रिसिएशन से, इस तरह से वो इंसान मुस्तगनी हो जाता है, फिर उसका ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ जाता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमें लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, मैंने फला बंदे के लिए बहुत ज़्यादा किया, मैंने उसके लिए दिन रात ये किया, लेकिन एट दी एंड उस बंदे ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, उस बंदे ने मुझे मेरे कामों का बदला नहीं दिया, उसने मेरा मान नहीं रखा। नेक बंदा तो वो होता है जो किसी दूसरे इंसान से शुक्रिया का भी तलबगार नहीं होता, उससे ये भी नहीं सुनना चाहता कि उसने कोई नेकी का काम उसके साथ किया है तो वो जवाब में उसका शुक्रिया कह दे, उसका शुक्रगुजार हो जाए। नहीं, वो कहता है शुक्रिया नहीं मुझे चाहिए, इसकी जज़ा तो मैंने अल्लाह ताला से लेनी है। इन्ना मानो कैमो कुम लिमा झिल्ला ला नुरीद मिनकुम जज़ा वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक्काहुम नज़रतन मुसरूरा वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन वहरीरा।
क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है सूरह दहर के अंदर। सूरह दहर का जो आखिरी हिस्सा है उसको कभी पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि इबादत की लज्जत, इबादत का सुरूर क्या होता है। और वो अल्लाह ताला के नेक बंदे, वो अल्लाह ताला के चुनीदा बंदे जिन अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक किस तरह से बना लेते हैं, फिर वो अल्लाह ताला के हो जाते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन, अल्लाह ताला उनका हो जाता है, वो अल्लाह ताला के हो जाते हैं, अल्लाह ताला को उनसे मोहब्बत हो जाती है, उनको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, वो अल्लाह ताला से राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है। उन लोगों की ज़िंदगियों का मतमा नज़र ही कुछ और होता है और वो इखलास की दौलत से मालामाल होते हैं। तो इखलास को समझने के लिए उलमा ने इखलास के दो लेवल किए हैं। इखलास के भी कुछ लेवल है, हर इंसान के अंदर जो इखलास पाया जाता है उसके कुछ लेवल होते हैं, तो वो दो लेवल है इखलास के। एक लेवल तो यह है कि आप कोई भी नेक काम कर रहे हैं और उस नेक काम के पीछे आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रिज़ा है, अल्लाह ताला की ज़ात है, आप अल्लाह ताला की ज़ात को पहुँचना चाहते हैं, उसकी रिज़ा को पहुँचना चाहते हैं, उसकी मोहब्बत को पहुँचना चाहते हैं, और कोई गरज और कोई मकसद उस अमल के पीछे आपकी नीयत में कार फरमा नहीं है। दूसरा लेवल इखलास का यह है कि आप कोई नेक काम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, कोई नेक काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी नीयत में के पीछे ये गरज है कि आपको अल्लाह ताला जन्नत में दाखला दे दे और जहन्नम से छुटकारा दे दे। अल्लाह ताला की ज़ात है लेकिन उसके साथ साथ आपकी नीयत में जन्नत का हुसूल भी है। तो ये दो लेवल उलमा ने इखलास के किए गए। फरमाया जो सबसे पहला लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात को सामने रखते हुए वो अमल को कर रहे होते हैं, और गालिबन और हकीकतन जब अल्लाह ताला की ज़ात आपको मिल जाएगी फिर जन्नत में आपका दाखला भी हो जाएगा, जहन्नम से आपका छुटकारा भी हो जाएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इन सारे सिनेरियोस का जिक्र अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से अपने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया है। फरमाया इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अकामुस्सलात व आतुज़्ज़कात इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अकामुस्सलात व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुफ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली। फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग यतलूना किताब अल्लाह, जो अल्लाह ताला की किताब की तिलावत करते हैं, वह अकामुस्सला और नमाज को कायम करते हैं, व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम और जो हमने उनको रिज़्क अपनी तरफ से दिया है। अच्छा कितनी खूबसूरत बात है, जो रिज़्क आप अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं वो आपका है ही नहीं, वो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। वन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे दिए हुए रिज़्क से ही मेरी राह में खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानियतन, छुप कर भी और ज़ाहरी तौर पर भी। यरजून तिजारतन लन तबूर, फरमाया कि यरजून उनकी उम्मीद ये होती है, उनका मकसद और मतमे नज़र ये होता है, तिजारत लन तबूर, वो मेरे साथ एक तिजारत कर रहे हैं और ये तिजारत ऐसी है जिसमें नुकसान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हर हाल में फ़ायदे ही में रहेगा, इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। वो तिजारत क्या है, इन अल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बि अन्न लहुमुल जन्ना, अल्लाह ताला ने मुमिनीन से उनके जानों मालों के बदले में जन्नत का सौदा कर लिया है। तो यरजून तिजारत लन तबूर, वो तिजारत क्या है, जन्नत का हसूल है, लियुवफ्फियहुम उजूरहुम, ताकि अल्लाह ताला उनके अजरों को उनके सवाब को पूरा करके दे दे और उससे ज्यादा करके दे दे। तो ये वो इखलास का लेवल है, पहला लेवल है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर अमल करने वाले के गरज में, मकसद में, नियत में अल्लाह ताला की रिज़ा के साथ साथ जन्नत का हुसूल भी होता है। और दूसरा लेवल जो एक्सट्रीम लेवल है, जहाँ पर जन्नत जहन्नम से मावरा होकर आप सिर्फ़ और सिर्फ इस लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ आपकी इबादत का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद और गरज अल्लाह ताला ही होते हैं। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वज्हि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया व यद्रऊना बिलहसनतिस्सैया, इनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। ये वो लोग हैं अल्लज़ीना सबरू, जिन्होंने सब्र किया, इब्तिगा वज्हि रब्बिहिम, इनका मकसद इनका गरज सिर्फ सिर्फ अपने रब को राजी करना था, अपने रब की रिजा को हासिल करना था।
वह अकामसला वनफ़ुम रज़कनाहम सरम वाली, और उन्होंने नमाज को कायम किया और अल्लाह ताला के दी हुए रिज़क से ज़ाहरी तौर पर और खुफिया तौर पर ख़र्च किया, इब्तिगा वजह रब्बिहिम उलाइका लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वयदरऊन बिलहसनति सय्यिया, और उन्होंने बुराई के बदले में नेकी को इख्तियार किया। उलाइका लहुम उक़बद्दार, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके बदले में उनके लिए उक़बद्दार जन्नत का दाखिला अल्लाह ताला ने उनके लोगों के लिए यकीनी बना दिया हुआ है, जिन लोगों की गर्ज़ व गायत के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना। ये वो एक्सट्रीम लेवल है इखलास का, जहाँ पर वो इंसान वो उसका मकसद उसकी गर्ज उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही होती है। और दूसरा सिनेरियो जो हमने पहले जिक्र किया, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात तो होती है लेकिन यरजूना तिजारत लन तबूर, और एक तीसरा सिनेरियो भी अल्लाह ताला सूरह दहर जिसका हमने तज़किरा भी पहले किया है, वो इस तरह से जिक्र किया है, नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, जब वो किसी को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी फ़कीर मुहताज मस्कीन को कुछ देते हैं, नुतइमुकुम उसको खिलाते हैं, तो कहते हैं नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, बिला शुबा हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ लिवजहिल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हम आपको खिला रहे हैं, हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तो ना तो आपसे ये चाहते हैं कि आप इसके बदले में हमें कुछ दें, कोई फेवर दें, हमारी इज्जत करें, वला शुकूरा ना हम ये चाहते हैं कि आप हमारा शुक्रिया अदा करें। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम तो उस रब से डरते हैं, यौमन अबूसन कमतरीरा, जिस दिन इतना सख्त होगा वो जहन्नम, वो क़यामत का दिन इतना सख्त होगा, जहाँ पर अल्लाह ताला ने उसका जिक्र कुरान मजीद में बारह जगह पर फरमाया, क़यामत के दिन की सख्ती का इतना सख्त दिन होगा कि जिस दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को ज़लज़ला आएगा, ज़मीन को हिला दिया जाएगा, यौमा यजअलुल विल्दाना शीबा, वह इतना सख्त दिन होगा जिस दिन बच्चे उस दिन की सख्ती की ऊपर परेशानी की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके चेहरों के ऊपर बुढ़ापा जाहिर होने लगेगा। फरमाया कि हम उस दिन से अल्लाह ताला से डरते हैं, इन्ना नखाफु मिन रब्बिना, तो फरमाया कि उनका मकसद अल्लाह ताला की रज़ा भी है और इसी तरह जहन्नम से छुटकारा भी है कि उस दिन अल्लाह ताला उनके आमाल का बदला उनको दे दे। तो इखलास अल्लाह ताला की ज़ात को पहुंचना, अल्लाह ताला की रिज़ा को पहुंचना, और उसके बदले में जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ वादे किए हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें जन्नत का दाखला नसीब फरमाना है, और जो हमारे अल्लाह ताला ने अजरों को अपने पास महफूज रखा हुआ है, उस अजर को पूरा होना, ये नियत भी आपके अगर आपके अमल के पीछे कार फरमा है कि आपको वो अजर अल्लाह ताला से मिल जाए और वो जन्नत का हसूल आपके आपको मिल जाए, तो ये भी इखलास का ही अमल है। लेकिन एक्सट्रीम लेवल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो आपका ताल्लुक है, आपकी तन्हाइयों का ताल्लुक है, वो जो आपका आपके जो राज़ो न्याज है अल्लाह ताला के साथ, वो फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर जो इखलास का एक लेवल लेके आते हैं और आपकी ज़िंदगी को जिस तरह से वो 180 डिग्री के एंगल पर चेंज कर देती है, वो चीज़ कभी उसका एक छोटा सा ज़र्रा महसूस करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से सुकून आता है, इत्मीनान आता है, और इस्तग़ना लोगों की बातों से इस्तग़ना आपको मिल जाएगा। जो हमारे माशरे के अंदर डिप्रेशन है, माशरे के अंदर एन्जाइटी है, फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, मैंने फ़लाँ के लिए इतना कुछ किया, मैं बचपन से उसके लिए कुछ इतना कुछ करता आ रहा हूँ, उसने मुझे बदला नहीं दिया, उसने मेरे साथ ये, उसने मुझे उसका सिला नहीं दिया, फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दिया, ये इस्तग़ना हमारे अंदर नहीं है। हम भूखे हैं दूसरे लोगों की तारीफ़ के, जब तक दूसरे लोग वाह वाही ना करते मुझे सुकून नहीं मिलता, जब तक दूसरे लोग उस बात के बदले में मुझे मेरा शुक्रिया अदा ना कर दें तो मुझे सुकून नहीं मिलता। ये इस्तग़ना नहीं है हमारे अंदर जी। इखलास से जब आपके अंदर इस्तग़ना आएगा, फिर आप इन तमाम दुनियावी ये जो जितने भी गोरख धंधे हैं, ये जितना भी मटेरियलिज्म का दौर है, उससे ऊपर एक आके एक नेक्स्ट लेवल पर आकर आप दीन को, अल्लाह ताला की इबादत को देखेंगे और उस इबादत की का जो लुत्फ़ है, उसकी जो हकीकत है, फिर आप उसको पाएंगे। अहसन अमला, हर इंसान का मकसद है कि वो अच्छे अमल को पहुंचे,
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ زندگی کا مقصد ہی میں نے یہ بنایا ہے تاکہ میں ازما سکوں کون تم میں سے احسن عملا نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے. تو قاضی ایاز نے احسن عملا کی بہت خوبصورت تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ احسن عملا کب ہوگا، کب ہماری زندگی کے اندر احسن و عملہ ممکن ہو سکے گا، اور وہ کون سا عمل ہوتا ہے جو احسن و عملہ، جو ایک احسن عمل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مطلوب، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. فرماتے ہیں اخلصہ للہ واسوبہ لسنت رسول اللہ، وہ عمل جو نیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص ہو اور اپنی ایگزیکیوشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسا ہو. جب ایک عمل کے اندر یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تب وہ عمل احسن و عملہ کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جو پھر اس عمل کو، آپ کے عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس کو آپ کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنا دیتی ہے کہ جو آپ کی زندگی کو تبدیل اور چینج کر کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے دوامت اور استمرار اور استقامت. ایک نیک عمل آپ نے شروع کیا، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بہترین اور محبوب ترین اعمال وہ ہے ادومها، جن کے اوپر دوامت ہے، بار بار آپ ان کو کر رہے ہیں اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. نماز آپ دیکھتے ہیں کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کے روزے سال میں ہر سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، زکوٰۃ آپ نے سال بعد دینی، حج آپ نے کرنا ہے. تو ان تمام اعمال کا ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے جو بار بار کرنے سے ہے. بار بار کرنے سے انسان جیسے ہی جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اخلاص و ایمان کا لیول زیادہ ہوتا ہے، جیسے باہر نکلتا ہے تو وہ کم ہو جاتا ہے. اس لیے بار بار تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط رہے اور وہ جڑا رہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ جب بازار میں جا کے صدا لگانے لگے کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، تو اس کے پیچھے بھی مسئلہ تو یہی تھا، کہتے کہ یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بہت تازہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، اپنے گھر والوں میں جاتے ہیں، تو ایمان کا لیول ہی وہ نہیں رہتا. تو بار بار دوامت، بار بار استمرار، بار بار ایک اس عمل کو بار بار کرنا، یہ آپ کے عمل کو ایسے پایا تکمیل تک پہنچا دیتا ہے جس سے وہ عمل اتنا بڑا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ کے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے اور آپ کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی لے کے آتا ہے. تو اخلاص، سنت رسول اللہ، اور پھر اس عمل کے اوپر مداومت اور استقامت اور استمرار. اخلاص کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت نصیحت فرمائی جب وہ یمن کے لیے جا رہے تھے. فرمانے لگے، یا معاذ اخلص عملک للہ، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دو، یکفیک العمل القلیل، پھر اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تھوڑا عمل، ایک چھوٹا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. آپ کا اخلاص سے کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے جس کا شمار آپ نہیں کر سکتے. تو اخلاص کے ذریعے سے آپ کے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے، اور اس تھوڑے عمل کے بدلے میں آپ کو جو اجر ملتا ہے وہ بے انتہا مل جاتا ہے. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے نماز پڑھی، تو ایک نماز عمل ایک ہی ہے لیکن اخلاص کے لیول کے فرق کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ درجات کا فرق ہے. ایک بندے کو 100 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، ایک کو 90 کا مل رہا ہے، ایک کو 70 کا مل رہا ہے، ایک کو 60 کا مل رہا ہے. عمل وہی ہے، ایمان اور اخلاص کے لیول کا فرق ہے. قیامت والے دن ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے نام اعمال میں اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، اور اس انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی زیادہ نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ کیسی گئیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے بندے، یہ تیری وہ نیکیاں ہیں جن کو تو نیکی سمجھ کے نہیں کرتا تھا، لیکن اخلاص تھا ان کے اندر، نیکی نہیں سمجھتا تھا، آج وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں رکھی ہوئی ہیں. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، انسان کی اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہے کہ اس نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنی ہتھیلی پر رکھ لیتے ہیں.
वो इखलास है ना उसके पीछे, अल्लाह ताला की रिज़ा, अल्लाह ताला के साथ आपका ताल्लुक है, वो इतनी पसंद आती है अल्लाह ताला को, उस नेकी को अल्लाह ताला अपने हाथ पे रख लेते हैं, फिर उस नेकी को इतना पसंद करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं जिस तरह एक बच्चे की परवरिश की जाती है। और कल क़यामत वाले दिन वो छोटी सी नेकी उसके नामे अमाल में इतने बड़े अजर का बाइस बनेगी जिसका इंसान महमो गुमान नहीं कर सकता। आखिर में एक छोटा सा वाक्या बयान करके आज की हम इस नशिस्त को ख़त्म करते हैं। बहुत से मुहद्दिसीन ने और मुफस्सरीन ने इस वाक्य को अपनी किताबों में नकल किया है, एक तारीखी वाक्या है। कहा जाता है कि एक बादशाह, वो इस बात का बहुत ख्वाहिशमंद होता था कि लोग उसकी तारीफ़ करें, इस बात के ऊपर उसको बहुत राहत महसूस होती थी कि लोग आके उसके बारे में कहते थे कि वाह क्या बादशाह है, क्या ये अल्लाह ताला के मामलात के अंदर खर्च करने वाला है, अल्लाह ताला के कामों में फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर खर्च करने वाला है। उसने कहा कि मैं अपने दारुल खिलाफा के अंदर एक मस्जिद बनाऊंगा और एक वो मस्जिद ऐसी होगी कि उसके अंदर किसी दूसरे इंसान का एक ज़र्रा भी खर्च नहीं होगा, वो सारी की सारी मेरे पैसों से बनेगी और एक आलीशान मस्जिद बनेगी और उस मस्जिद का नाम मेरे नाम के साथ रखा जाएगा। अब वो जब मस्जिद बन गई, मुकम्मल हो गई और बाहर एक बड़ी सी तख्ती लग गई बादशाह के नाम से, तो बादशाह सोया और रात को उसको ख्वाब आया कि उसकी राया में रहने वाली एक गरीब सी औरत का नाम एक फरिश्ता आसमान से उतरता है और उस तख्ती पे बादशाह के नाम की बजाय उस औरत का नाम लिख देता है। सुबह जाता है, जाके देखता है मस्जिद की तख्ती के ऊपर बादशाह का नाम लिखा होता है। अगले दिन सोता है, फिर उसको यही ख्वाब आता है और जाके देखता है तो उसकी तख्ती के ऊपर यही नाम लिखा होता है बादशाह का अपना। तीसरे दिन भी उसको यही ख्वाब आता है तो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जो फरिश्ता आके नाम किसी औरत का लिख रहा है उस औरत को बुलाया जाए, उसको बादशाह के दरबार में पेश किया जाता है। बादशाह उससे पूछता है क्या तुमने इस मस्जिद के अंदर कोई तुमने पैसे लगाए? उसने कहा कि नहीं, मेरे पास तो अपने खाने के पैसे नहीं है, मैं मस्जिद की तामीर के अंदर पैसे कैसे लगा सकती हूँ। उसने कहा कौन सा ऐसा अमल है जो तुमने किया है जिसकी वजह से ये मुझे ख्वाब आता है और वो फरिश्ता आके तुम्हारा नाम मस्जिद की तख्ती के ऊपर अमेजा कर देता है? औरत कहती मुझे और तो कुछ याद नहीं आता, एक दिन मैं यहाँ से गुजर रही थी तो एक घोड़ा जो मस्जिद का सामान ढो रहा था, मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा प्यासा है, पानी की शिद्दत और प्यास की शिद्दत की वजह से बिलक रहा है, तो मैंने उस घोड़े को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उस घोड़े को पानी पिला दिया। अब अमल देखिए, अमल की नौइयत देखिए, कितना छोटा सा हकीर सा अमल है, उसके पीछे इखलास भी देखिए, उस अमल उस इखलास से भरे अमल से उसने सिर्फ उस घोड़े को पानी पिला दिया, उसका कुछ खर्च नहीं हुआ उसके अंदर, वहाँ पर ही पानी मौजूद था, पानी पकड़ के घोड़े को पिला दिया। ये छोटा सा अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया। और दूसरी जानिब एक बादशाह है जिसने, अगर आजकल के दौर के अतबार से हम देखें तो उसने लाखों करोड़ों रुपये उस मस्जिद की तामीर पर सर्फ कर दिया होगा, उस मस्जिद के बाद उसकी बड़ी सारी तख्ती भी लगी है, लेकिन उस औरत का पानी पिलाना अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज के हुक्म देता है कि इस मस्जिद के ऊपर इस औरत का नाम लिख दिया जाए। तो एक छोटे से अमल का असर कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है आप उसका अंदाज़ा ही नहीं है, और वह अमल का असर इतना बड़ा कैसे हो गया क्योंकि उसके पीछे इखलास था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इखलास की नेमत से मालामाल करें और हमें अपने तमाम आमाल को अल्लाह ताला की ज़ात के लिए खालिस करने की तौफीक अता फरमाएं। व मा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।